जय हिंद साथियों, बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए। यहां पर हम बात करने वाले दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट में आखिर क्या क्या पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या ट्रेड टेस्ट में प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर कुछ करवाया जाता है या जिस ट्रेड से हमने फॉर्म अप्लाई किया उस ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्या ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एक साथ होगा या फिजिकल पास करने के बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए हमें समय दिया जाएगा? तो दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली। ये एक वीडियो देखने के बाद में आप आराम से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको यहीं पर सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन मतलब रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि रिटन के बेसिस पे ही आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। और यहां पर आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड आ चुकी है, जो कि संपूर्णतः सिलेबस के हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया और सभी टॉपिक को बारीकी से दर्शाया गया। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसके हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। मतलब दोस्तों ये दो बुक आप घर पे पढ़ के ही इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। दोनों ही बुकों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ, काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर ट्रेड टेस्ट और फिजिकल साथ होंगे। तो बिल्कुल, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसमें साफ साफ लिखा गया है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द पीएचडी पीटी डॉक्यूमेंटेशन विल बी पुट थ्रोंग देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड टेस्ट। इन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट पीएचडी और पीटी और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई कर लेंगे उन कैंडिडेटों का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट के लिए आपको अलग से समय यहाँ पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल के साथ ही आप लोगों का ट्रेड टेस्ट करवा लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको अतिरिक्त समय भी यहां पर दिया जाता है। अब बड़ी बात दोस्तों यह है कि ट्रेड टेस्ट में आखिर क्या-क्या करवाया जाता है और क्या-क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, ट्रेड टेस्ट में आपको प्रैक्टिकली तौर पर भी वहां पर काम करवाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। ऑफिसर्स होते हैं और ऑफिसर्स की एक टीम होती है जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसमें आपको एक एक बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोजली दोस्तों अगर आपने कुक से अप्लाई किया तो आपके पास में उनके पास में बहुत सारे मसाले होंगे और उन मसालों के नाम दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही आपको पूछा जाएगा कि आपको खाना बनाना आता है नहीं आता, आपने कौन कौन सी सब्जियां बना लेते हैं, उनकी विधि कैसे होती है। अगर आप बार्बर के लिए अगर अप्लाई करें तो बार्बर जो भी औजार काम में लेता है ट्रेड टेस्ट में, उन सारे औजारों के नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा औजार है, ये कौन सा औजार है। यही सारी चीजें प्रैक्टिकली तौर पर वहां पर पूछी जाती है। उसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिकली तौर पर आपसे काम तो करवाया जाता है, लेकिन ओरल तरीके से काफी चीजें आपको पूछी जाती है और वहीं से आपको जो ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दोस्तों इस ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी बीएसएफ ने पहले ही दे दिए कि हम ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछने वाले हैं और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोबलर हो चाहे टेलर हो, कुक हो, सभी की डिजायरेबल स्किल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आप कोबलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पॉलिश करना आना चाहिए, क्योंकि कोबलर का काम ही यही होता है कि जूतों के पॉलिश करना आपको आना चाहिए। साथ ही कोबलर जितने भी औजार काम में लेता है जूते बनाने में, उन सारे औजारों के एक एक के नाम आपको पता होना चाहिए। जो लेदर की कटिंग कैसे होती है वो कटिंग करके आपको बतानी होती है, रिपेयर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कुक के लिए अप्लाई करें तो आपको चपाती, राइस कुकिंग, वेजिटेबल, दाल सांभर, इडली, ये सारी चीज़ें बनानी आनी चाहिए। ये आपसे वहाँ पर बनवा भी सकते हैं और इनकी विधि ओरल भी पूछ सकते हैं। आपको पूछ ले कि आपको क्या क्या बनाना आता है, आप इडली सांभर बना सकते हैं, आप सब्जियाँ कौन कौन सी बना लेते हैं, दाल फ्राई कैसे बनती है उसकी विधि बताओ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सारी जानकारी वहाँ पर पूछी जाती है ओरल तरीके से। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड टेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपने कौन से ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अलग अलग ट्रेड वाइज आपको सेपरेट वीडियो दे प्रैक्टिकली तौर पर, जिससे आपको फाइनली यहां पर ट्रेड टेस्ट है वो आराम से क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।